गुड इवनिंग स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर सिक्स एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट वन रेशियो एंड प्रोपोर्शन सो व्हाट इज रेशियो ए रेशियो इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स ऑफ सेम काइंड एंड सेम यूनिट टू थिंग्स ऑफ सेम काइंड सेम काइंड मीन्स इफ यू टेक हाइट ऑफ हाइट एज वन थिंग फर्स्ट थिंग देन सेकेंड ऑल्सो हाइट मतलब वी विल फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन टू हाइट्स ठीक है हाइट ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट हाइट ऑफ सेकंड स्टूडेंट्स वट इज दर स्टूड इन दैम ठीक है और अगर वेट का कंपेरिजन कर रहे हैं वेट का रिलेशन देख रहे हैं तो दोनों के ही हमें क्या लेने पड़ेंगे वेट ठीक है तो वेट का हाइट के साथ रिलेशन ही निकालना है ठीक है तो दोनों क्या होना चाहिए सेम काइंड का हाइट ले रहे हैं तो दोनों की हाइट वेट ले रहे हैं तो दोनों का वेट ठीक है मार्क्स है तो मार्क्स mar लेंथ है तो लेंथ ब्रेड है तो ब्रेड जो भी है मतलब वो सेम काइंड का होना चाहिए एंड सेम यूनिट सेम यूनिट मीन्स अगर दोनों सेम काइंड के हैं मतलब हाइट और हाइट हैं लेकिन एक सेंटीमीटर में और एक मीटर में है तो उनकी यूनिट भी क्या होनी चाहिए दोनों सेम तो ये वाली सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर मीटर है तो मीटर वेट अगर किलोग्राम में है तो दोनों क्या होंगे किलोग्राम में दोनों या फिर ग्राम में ठीक है तो दोनों की यूनिट भी सेम होनी चाहिए और दोनों सेम काइंड की होनी चाहिए मतलब क्लियर उसके बाद देखो बच्चे रेशियो हैज नो यूनिट कोई भी यूनिट नहीं होती रेशियो की क्लियर तो रेशियो की यूनिट क्यों नहीं होती देखो जैसे अब रेशियो कैसे निकालते हैं डिवाइड करके निकालते हैं ना ठीक है मान लिया फाइव सेंटीमीटर डिवाइड बाय फाइव सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर तो, 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 तो कैंसिल हो गया तो फाइव बाई में सेवन बचेगा ठीक है तो रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती है <laughs> <laughs> ठीक है उसके बाद क्या है रेशियो का हम दिखाते हैं इसमें लोएस्ट फॉर्म में तो लोएस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है रेशियो का जैसे फाइव बाई सेवन हम ऐसे लिख सकते हैं इसको फाइव रेशियो सेवन को ठीक है तो रेशियो को हम फाइव बाई सेवन लिख सकते हैं एक तो बात देखो कि न्यूमरेटर या डेनोमिनेटर या फिर इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट अगर रेशियो में है तो फ्रैक्शन में अगर लिख के बोलते हैं तो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर ठीक है अगर हम दोनों को सेम नंबर से सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो हमारा क्या रहता है सेम ठीक है टेन बाय वाई फोरटीन ठीक है तो अगर हम इनको लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा फाइव बाई सेवन मतलब सेम नॉन जीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं न्यूमिनेटर को और डेनोमिनेटर को अगर रेशियो की बात करें तो कॉन्सिक्वेंट और एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट ठीक है तो उस पर रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है और एक और देखो अब रेशियो को हमें क्या करना होता है हमेशा लोएस्ट फॉर्म में लिखना होता है जैसे ट्वेंटी वन बाई में ट्वेंटी एट ठीक है ये फ्रैक्शन में लिख दिया मैंने रेशियो अगर होता है ट्वेंटी वन रेशियो ट्वेंटी एट तो इसको हमें लोवेस्ट फॉर्म में लिखना होता है तो लोवेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि कॉन्स एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो या सिंपली देखो डिवाइड कर, कर दो इसको सेम नॉन जीरो नंबर किससे डिवाइड होता है थ्री सेवन से तो सेवन थ्री जा सेवन फोर जा सो थ्री बाय फाइव तो हम इसको लिख सकते हैं थ्री रेशो फोर थ्री बाय फोर सो थ्री रेशो फोर क्लियर तो देखो रेशियो क्या होता है दो थिंग्स का रिलेशनशिप तो रिलेशनशिप दो थिंग्स कौन सी मतलब सेम काइंड की मतलब हाइट है तो हाइट वेट है तो वेट और दोनों की यूनिट भी क्या होनी चाहिए उनकी सेम एक सेंटीमीटर में तो दूसरे भी सेंटीमीटर में अगर एक का वेट के में है तो दूसरे का भी क्या होगा के में ग्राम में है तो ग्राम में ठीक है अगर अलग अलग दे रखा है तो उनको पहले क्या करोगे यूनिट को इक्वल बनाओगे सेम बनाओगे ठीक है तो उसके बाद इनका रेशियो निकालना है रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है रेशियो क्या करना है तुम्हें लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है क्लियर अब आते हैं एक्सरसाइज पे देखो <coughs> देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है एक्सप्रेस ऑफ़ द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म अब सिंपलेस्ट फॉर्म लोएस्ट फॉर्म एक ही बात है फर्स्ट क्या है ट्वेंटी फोर रेशियो थर्टी सिक्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है ट्वेंटी फोर थर्टी सिक्स फर्स्ट पार्ट तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए तो सबसे पहले इसको लिखो ट्वेंटी फोर बाय में थर्टी सिक्स अब चेक करो दोनों नंबर ट्वेंटी फोर और थर्टी सिक्स किस नंबर से मतलब डिवाइड होते हैं दोनों के दोनों ठीक है या तो एच निकाल के कर सकते हो दोनों का एच निकाल दो तो जो आएगा उसी से डिवाइड करना है हाइस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है ठीक है या फिर तुम ऐसे ही आइडिया लगा लो कितना सिक्स से डिवाइड होगा दोनों सिक्स से नहीं ट्वेल्व से हो सकता है ट्वेल्व से ट्वेल्व इसका एच है ठीक है तो ट्वेल्व से ये कितना आएगा टू और ट्वेल्व से थर्टी सिक्स को डिवाइड करोगे तो थ्री सो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी इसकी टू रेशियो थ्री ठीक है तुम छोटा छोटा करके कभी काट सकते हो इसको पहले टू से डिवाइड कर दिया फिर थ्री से कर दिया ठीक है फिर दोबारा टू से कर सकते हो जैसे तुम्हारी मर्जी है अब देखो सेकंड सेकेंड पार्ट में क्या देखा वन पॉइंट सेवन रेशियो जीरो पॉइंट थ्री फोर वन पॉइंट सेवन रेशियो जीरो पॉइंट थ्री फोर तो इसको भी पहले क्या लिख सकते हो तुम फ्रैक्शन में लिख सकते हो वन पॉइंट सेवन डिवाइड बाई जीरो पॉइंट थ्री फोर ठीक है इसके बाद क्या करो सबसे पहले इनका डेसिमल रिमूव कर दो तो डेसीमल रिमूव करने के लिए क्या करोगे नीचे के आएगा डायनोमिनेटर में टेन ये डिवाइड में थर्टी फोर था और ये डेसिमल के बाद दो डिजिट हैं तो ऊपर क्या आएगा हंड्रेड ठीक है तो वन जीरो से वन जीरो कैंसिल अब सेवनटीन के टेबल में आता है थर्टी फोर सेवनटीन वन जो सेवनटीन टू जो क्लियर सो टू वन जो टू से फाइव कैंसिल करना सबको आता है मेरे ख्याल से तो कर लोगे सारे तो फाइव रेशो वन ठीक है फर्स्ट पार्ट में मैंने ऐसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया था डायरेक्ट ठीक है इसमें ऐसे तुम जैसे भी काट सकते हो ना वैसे कट कर दो उसको मतलब लास्ट में ये चेक कर लेना कि दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए ठीक है तो फाइव रेशियो बना आगे तो कटेगा नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ना है फिर सॉरी तो दिखाई नहीं दे रहा होगा दोबारा रिपीट करता हूँ मैं सेकंड पार्ट तो वन पॉइंट सेवन रेशियो जीरो पॉइंट थ्री फोर ये था इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे सबसे पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लो 1.7 डिवाइड में होगा 0.34 ठीक है उसके बाद डेसिमल रिमूव कर दो दोनों के तो 17 के डिवाइड में आएगा 10 और 34 फोर डेनोमिनेटर में था तो 100 कहाँ आएगा ऊपर ठीक है इनको कट कर दो सेवनटीन वनजा सेवनटीन से 34 फोर टू आएगा फिर वन जीरो से वन जीरो कैंसिल हो गया तो नीचे टू बचा था तो टू वन जहा टू और टू से यहाँ पर कैंसिल हो गया फाइव तो क्या बचेगा न्यूमिनेटर में सिर्फ फाइव और डेनोमिनेटर में वन तो रेशियो क्या आएगा फाइव रेशियो वन अब देखो थर्ड पार्ट फाइव एंड वन बाय फोर रेशो टू ठीक है तो सबसे पहले तो जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है इसकी टर्म इसको तुम्हें क्या करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में फाइव फोर जो ट्वेंटी और वन ट्वेंटी वन बाय फोर रेशो टू क्लियर इसके बाद इसको लिखना फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो देखो ट्वेंटी वन बाय फोर ये था ना इसके डिवाइड में लिखोगे टू तो डिवाइड में टू यहां पे आएगा तो यहां पे लिख दो तो कितना होगा ट्वेंटी वन बाय एट तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी ट्वेंटी वन रेशियो एट ठीक है इसको ऐसे लिख सकते हो फिर क्लियर है ना इसके बाद देखो फोर्थ पार्ट इसका फर्स्ट का फोर्थ पार्ट क्या है फोर्टी के जी रेशियो फाइव हंड्रेड ग्राम ठीक है अब यहां पे देखो फर्स्ट जो एंटीसीडेंट था फर्स्ट टर्म थी इसका इसकी यूनिट दे रही है फोर्टी के जी में मतलब के जी यूनिट है इसकी और इसकी क्या है ग्राम तो सबसे पहले क्या करोगे तुम यूनिट को इक्वल करोगे ऐसे ही रेशियो नहीं निकालना कि फोर्टी के डिवाइड में कर दिया फाइव हंड्रेड तो दोनों की यूनिट इक्वल होगी उसके बाद ही रेशियो निकालना तो इक्वल करो वन के जी इज इक्वल टू वन थाउजेंड ग्राम ठीक है तो फोर्टी के जी इज इक्वल टू फोर्टी मल्टीप्लाई बाई वन थाउजेंड मतलब फोर्टी थाउजेंड ग्राम ठीक है तो फोर्टी के जी को क्या लिखोगे? फोर्टी थाउजेंड रेशियो फाइव हंड्रेड तो इन दोनों टर्म्स का रेशियो निकालना है निकालो टू से टू जीरो कैंसिल तो अब फोर हंड्रेड को डिवाइड करो फाइव से कट सकता है तो फाइव वन जा फाइव से कितना हो गया एट वन नहीं एट एट्टी तो एट्टी बाय वन तो रेशियो क्या है इसका एट्टी रेशियो वन क्लियर तो ये होगी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म फोर्थ पार्ट की सेकंड क्वेश्चन देखो विच रेशो इज ग्रेटर विच रेशियो इज ग्रेटर तो दोनों में से कौन सा रेशियो ग्रेटर है वो बताना है देखो फर्स्ट पार्ट देखो वन रेशो टू और थ्री रेशियो फोर तो दोनों में से कौन सा ग्रेटर है वो बताना है तुम्हें तो कैसे फाइंड करोगे इसको ठीक है तो पहले तो क्या करो दोनों को वन बाई टू और इसको थ्री बाई फोर फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया ठीक है इसके बाद एक शॉर्टकट मेथड है देखो इन्हें क्रॉस में मल्टीप्लाई करके ना वन को फोर से मल्टीप्लाई करके देखो ऊपर वाले पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो वन को फोर से मल्टीप्लाई करके कहाँ पे लिखोगे इधर लिख दिया मल्टीप्लाई में ठीक है ठीक है और टू को थ्री से मल्टीप्लाई करके किधर लिख दिया सिक्स ठीक है तो वन फोर जा फोर और टू थ्री जा सिक्स अब फोर और सिक्स को देख लो फोर और सिक्स में से कौन सा ग्रेटर है सिक्स तो सिक्स ग्रेटर है तो इसका मतलब सिक्स वाला रेशियो कौन सा था थ्री बाय फोर सिक्स की जो भी साइड में है ना थ्री बाय फोर मतलब थ्री रेशो फोर इज ग्रेटर देन वन रेशो टू सो वन रेशो या डायरेक्ट थ्री रेशियो फोर इज ग्रेटर ठी थ्री रेशो फोर इज ग्रेटर तो ये रेशो ग्रेटर है तो दूसरा मेथड भी है इसका देखो ऐसे अगर एल्शियम लेके करना है ना वन बाय टू और थ्री बाय फोर तो इनका एल्शियम लेके देख लो एल्शियम कितना है इसका फोर ठीक है तो फोर एल्शियम तो फोर से टू को डिवाइड करो कितना आएगा टू तो टू वन जा टू और फोर से को फोर से करो वन तो वन थ्री जै थ्री तो अब टू और थ्री में देख लो कौन सा ग्रेटर है तो थ्री ग्रेटर है तो इसका मतलब ये वाला रेशो ग्रेटर है तो वन रेशो टू थ्री रेशो फोर तो थ्री रेशो फोर इज ग्रेटर देन वन रेशो टू तो दोनों में से जो मेथड तुम्हें इजी लगे वो कर लेना देखो दोबारा रिपीट करता हूँ वन बाय टू और थ्री बाय फोर इनमें से कौन सा ग्रेटर है फ्रैक्शन जो ग्रेटर चेक करते थे ना पहले सिक्स क्लास में करे होंगे तो फ्रैक्शन को कैसे चेक करते थे एलसीएम ले दो, दो दोनों का तो एलसीएम के बाद यहाँ पे जो आएंगे ना नंबर फोर को टू से डिवाइड करके टू तो टू वन जा टू फोर को फोर से डिवाइड कर दिया कितना है ना तो टू और थ्री में से तो उसका वही रेशियो क्या है ग्रेटर तो इज तो क्लियर तो अब मेरे ख्याल सेकंड से क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं है ठीक है सारे पार्ट ऐसे ही करने हैं या फिर एक और करवाऊँ मैं देखो फोर्थ पार्ट करवा देता हूँ क्या है फाइव रेशो सेवन और टू रेशो नाइन में से फाइव रेशो सेवन और टू रेशो नाइन में से कौन सा ग्रेटर है तो इसको सबसे पहले फाइव बाई में सेवन फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दो फाइव बाई सेवन और टू बाई नाइन ठीक है तो क्या बोला था पहले ऊपर से यहाँ से स्टार्ट करना फर्स्ट जो टर्म थी ना इससे स्टार्ट करो एक बार तो फाइव नाइन जहाँ फोर्टी फाइव यहाँ पर लिखना है सेवन टू जा फोर्टीन ठीक है अब फोर्टी फाइव और फोर्टीन इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा फोर्टी फाइव तो फोर्टी फाइव ग्रेटर है तो फोर्टी फाइव की साइड में कौन सा रेशियो फाइव रेशो सेवन सो फाइव रेशियो सेवन इज ग्रेटर देन टू रेशो नाइन क्लियर है ठीक है अब ये आएगा फिर अब देखो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन क्या है देखो एंगल ऑफ ट्राइंगल्स आर इन रेशियो थ्री रेशियो फाइव रेशियो सेवन फाइंड ईच एंगल ठीक है हुँ. जो एंगल्स एंड ट्रैंगल के वो तीनों का रेशियो दे रखा है थ्री रेशियो फोर फाइव रेशियो सेवन तो रेशियो लिखो पहले तो रेशियो ऑफ एंगल्स कितना है थ्री रेशियो फाइव रेशियो सेवन ठीक है ठीक ऑफ एंगल्स थ्री रेशो फाइव रेशो सेवन अब तुम्हें तो क्या करना है अगर रेशियो गिवन है ना एंगल्स का तो लेट एंगल्स लेट एंगल्स लेट कर लो एंगल्स को क्या लेट कर लो ये तो हो गया थ्री एक्स ये हो गया फाइव एक्स और ये हो गया सेवन एक्स तो तीनों एंगल्स को लेट कर लेंगे थ्री एक्स फाइव एक्स और सेवन ठीक है एंड यू ऑल नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रैंगल इज वन

12. 15 देखो, 15 देखो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई ट्वेल्व एंड इफ एक्स इज इक्वल टू टाइंड इच एंगल एंगल्स तो एंगल कौन से होंगे देखो पहला एंगल कौन सा था मल्टीप्लाई बाई ट्वेल्व थर्टी सिक्स डिग्री दूसरा कौन सा था फाइव एक्स तो फाइव मल्टीप्लाई बाई टी तीसरा कौन सा था सेवन एक्स तो सेवन मल्टीप्लाई बाई ट्वेल्व कितना हो गया एट्टी फोर So this is question number three.